सो एलवी सादो के दोस्त लव कटारिया, जो कि खुद एलवी सादो के साथ जयपुर गए हुए थे क्योंकि वहां पे इनका एक मीटअप भी था, उन्होंने अभी बताया है कि एलवी सादो ने उस आदमी को थप्पड़ क्यों मारा है और साथ ही साथ ये उसका कितना सपोर्ट करते हैं, आप खुद देखो। उसके बारे में तो एलविश बोलेगा पूरा, मैं तो था ही नहीं वहाँ पे, तो मेरे को तो हमें कितनी देर पता लगी, फिर मैंने फोन किया कैसे ना हो गया, तो उसने बताया कि यार गाली वाली वगैरह बताया। मैंने कहा यार फिर तो गाली वाली बोल के तो बाबा फिर तो शाबाश, फिर तो शाबाश भाई की भाई शाबाश होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम तो भाई के गए ले तो थे ही ना, हमने तो बेरा क्यों किसी की सुना बाल के पड़ना गाली वाली बकी बताई। जब ये चीज हुआ था उस टाइम एलवी सादो के साथ में लव कटारिया नहीं थे, बाद में एलवी सादो से इस चीज के बारे में पूछे तो इनको पता चला कि उसने गाली दिया था और इसी वजह से ये सीन हुआ है, जिसके बाद आप इनका भी रिएक्शन देख सकते हो कि साफ साफ ये बोल रहे हैं कि हम किसी की क्यों सुने यार, इसके अगर कोई गाली दे रहा है तो उसका रिप्लाई तो करेंगे ही ऐसा करके, यानी कि ओवरऑल ये भी मानते हैं कि एलवी सादो ने जो किया है वो कहीं ना कहीं सही है, गलत नहीं है,